So the next theorem, you can say it is a converse of the theorem which we have discussed in the previous lecture. So for each prime p and each positive integer, the roots of xp n minus x belonging to zp, zp means same z by p, जो अपने को इक्विवेलेंस क्लासेस की कलेक्शन होती है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन p माइनस 1 वही हैगा है zp. इन इट्स स्प्लिटिंग फील्ड ओवर zp आर ऑल डिस्टिंक्ट. सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू प्रूव दैट कि द पॉलीनोमियल xp n माइनस x हैज ऑल इट्स रूट्स डिस्टिंक्ट. द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू वेरीफाई इन दिस इस पॉलीनोमियल दे सारे रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, कोई भी रूट इज अ मल्टीपल नहीं हैगा. एंड फिर सेकंड थिंग असी की प्रूव करनी है कि एदे रूट्स की जेडी कलेक्शन है वो एक फील्ड फॉर्म कर दी है विद p रेस टू पावर n एलिमेंट्स एंड फॉर्म्स ए फील्ड f विद p रेस टू पावर n एलिमेंट्स एंड आल्सो f इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पॉलीनोमियल. देन ऑब्वियसली इफ द रूट्स फॉर्म ए फील्ड तो सारे दे सारे रूट्स इसे f दे विच हैगे ने तो f ही ऑब्वियसली की बन गया फिर स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ xp n माइनस x. कल जेडी थ्योरम असी डिस्कस कीती सीगी इस दे विच सीगा साडे कोल कि f given सीगा और f नु असी प्रूव कीता सीगा कि इस पॉलीनोमियल दा स्प्लिटिंग फील्ड है. हुन असी रिवर्स कर रहे हैगे इनु, रिवर्स इस तरह कर रहे हैं कि जेड़ा ए वाला है इस दे विच असी पॉलीनोमियल दे रूट्स सॉल्व करांगे फिर इहदी स्प्लिटिंग फील्ड बनावांगे. तो कहने दा मतलब ए हो गया ए दोवें थ्योरम्स नु मिला के की आ रहा है कि xp n माइनस x दे जेड़े रूट्स सॉल्व करके आंगे ओ एक फील्ड फॉर्म करेंगे और वो ही अपने को फाइनाइट फील्ड बन जाएगी विद p रेस टू पावर n एलिमेंट्स. सो हमने द प्रूफ डिस्कस करेंगे. जो पॉलीनोमियल गिवन है लेट अस सपोज इट इज fx. नाउ हुन असी फर्स्ट पॉइंट की प्रूफ करना से इस थ्योरम दे विच कि सारे इस दे रूट्स डिस्टिंक्ट हैं. ते लास्ट टॉपिक जेड़ा सी मल्टीपल रूट्स वाला उस दे विच असी रिजल्ट प्रूफ किया सीगा ए वाला fx belonging to capital fx be a polynomial of degree greater than or equal to 1 with alpha as a root then alpha is a multiple root if and only if f dash alpha equal to 0. ta kise bhi polynomial da koi root multiple ta aayega jekar us root de upar derivative di value 0 aaye ta but je assi polynomial da derivative check kariye ure polynomial da derivative ki banega you can solve it by using the power rule of the derivative p power n इतने लिख लेना और x की पावर p n माइनस 1 माइनस 1 बिकॉज ए जेडी पॉलीनोमियल है ये कंसीडर की दे ओवर कितने ऐसी z p z by p जिस दी कैरेक्टरिस्टिक p होंगी है तो इस करके जे इस दी कैरेक्टरिस्टिक p हैगी है तो ए वाला जेड़ा एलिमेंट है ये अपना हो जाएगा 0 क्योंकि ये p का मल्टीपल है. यू कैन सी इधर आगे p पावर n लिखा हुआ है तो ये p का मल्टीपल है तो z by p दी कैरेक्टरिस्टिक p होने करके दिस विल बी 0. यू विल रिमेन विद ओनली माइनस 1 एंड माइनस वन जेड़ा हैगा वो फर्दर पी माइनस वन दे कॉन्ग्रेंट होता है. ठीक है, माइनस वन इज कॉन्ग्रेंट टू पी माइनस वन अंडर मॉडुलो पी. सो इट मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू की आ रही है पी माइनस वन तो जीरो तो आ नहीं रही तो यदा मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू पी माइनस वन आ रही है कॉन्स्टेंट आ रही है तो उरे तुसी हुन एक्स जो मर्जी पुट करी जाओ एक्स उरे जो मर्जी पुट करी जाओ जेड़ा मर्जी अल्फा बीटा गामा जो मर्जी पुट करी जाओ डेरिवेटिव दी वैल्यू नहीं चेंज होनी क्योंकि डेरिवेटिव दी वैल्यू कांस्टेंट आ गई है और वो कांस्टेंट आई है जेड़ा नॉन जीरो है तो इट मींस कदे भी डेरिवेटिव साडा जीरो नहीं आऊगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स. तो जे डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर जीरो नहीं आना तो इहदा मतलब इहदा कोई रूट मल्टीपल भी नहीं हो सकता. हेंस वी हैव एफ एक्स कैन नॉट हैव मल्टीपल रूट्स क्योंकि जे किसी भी पॉइंट उत्ते डेरिवेटिव जीरो आंदा तो वो वाला पॉइंट मल्टीपल बन जाता बट डेरिवेटिव तो उरे कांस्टेंट आ गया जेड़ा कि नॉन जीरो है तो इस करके कदे भी डेरिवेटिव जीरो नहीं होएगा इस करके कदे भी ये रूट्स मल्टीपल नहीं होंगे. सो दिस पॉइंट इज जस्टिफाइड नाउ द रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल आर ऑल डिस्टिंक्ट. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द कलेक्शन ऑफ द रूट्स फॉर्म ए फील्ड एंड फील्ड विद p रेस टू पावर n एलिमेंट्स दस fx हैज ऑल इट्स pn रूट्स डिस्टिंक्ट. नाउ वी शो दैट दीस रूट्स फॉर्म ए फील्ड दैट इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ fx ओवर z. तो ये रूट्स की कलेक्शन असी फील्ड प्रूफ करना है तो फील्ड प्रूफ करने का जो क्राइटेरिया वो ये होंगे दो आर्बिट्ररी एलीमेंट्स लै लो जी कलेक्शन फील्ड प्रूफ करना चाहते हो उस दो आर्बिट्ररी एलीमेंट्स लै लो अल्फा ते बीटा. असी रूट्स वाली कलेक्शन फील्ड प्रूफ करना है तो अल्फा ते बीटा दो आर्बिट्ररी लै ले एंड सैकेंड एलीमेंट असी नॉन जीरो लिता बीटा इज नॉन जीरो एंड यू हैव टू वेरीफाई दैट कि अगर अल्फा ते बीटा उस कलेक्शन चो आए ने तो अल्फा प्लस माइनस बीटा एंड अल्फा बीटा इनवर्स ये भी सेम उस कलेक्शन के ते अल्फा ते बीटा केडी कलेक्शन दे विचों आए हैं पॉलीनोमियल दे रूट्स और पॉलीनोमियल केडी सी एक्स दी पावर पी एन माइनस एक्स
इस पॉलीनोमियल दे रूट्स दी कलेक्शन विचों आए। दैट मींस अल्फा जेड़ा सी वो इस चीज़ नो सेटिस्फाई करता सी। अल्फा पी एन इज इक्वल्स टू अल्फा और बीटा भी सेम इसे चीज़ नो सेटिस्फाई करता सी। बीटा पी एन इज इक्वल्स टू बीटा। नाउ इफ यू वांट टू शो दैट रूट्स दी कलेक्शन जेड़ी है वो फिली फॉर्म कर दी है, तो दैट मींस यू हैव टू प्रूव दैट कि अल्फा प्लस माइनस बीटा एंड अल्फा बीटा इनवर्स ये दोवें भी इसे पॉलीनोमियल दे रूट्स हैं, एक्स पी एन माइनस एक्स दे रूट्स हैं। That means you have to verify that alpha plus minus beta raised to power pn will be equals to alpha plus minus beta. This thing we have to verify. So, ek kime verify honi? You can see alpha plus minus beta di power pn asi consider kar li hai ki hai. Te raised to power pn hai. Ta jado asi is raised to power pn nu expand karange using binomial theorem, you can say then all of the coefficients, kyunki binomial coefficient ek starting wala one hunda hai, एक एंड वाला वन होता है, इन बिटवीन जे p दी पावर n दी गल हो रही है तो जिन्ने भी इन बिटवीन बनने हैं pn c1 pn c2 जिन्ने भी ये सारे बनने हैं दे ऑल शुड बी द मल्टीपल, दे ऑल विल बी द मल्टीपल ऑफ p, ये सारे दे सारे p दे मल्टीपल्स होंगे, तो इस करके a वाले सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट साडे की हो जाने हैं इक्वल्स टू 0, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक p दे ऊपर असी काम कर रहे हैं, zp गिवन सी दा सम, तो यू विल रिमेन ओनली विद फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, and for the first term you have alpha raised to power pn and for the last term you will have beta raised to power pn, and already we have said that alpha is a root of the polynomial x pn minus x, so alpha pn is equals to alpha and beta pn is equals to beta, and similarly in this case there is no problem, you can easily split the powers for the both the terms alpha pn and beta pn minus 1, alpha pn is alpha and beta pn is beta, so you can see that yeah, alpha plus minus beta and alpha beta inverse both are satisfying this polynomial x power pn minus x. Hence, we can say that alpha plus minus beta and alpha beta inverse are also the roots of this polynomial if alpha and beta are its roots. So, we can say that the collection of the roots form a field. The set of roots forms a subfield of the splitting field and therefore coincides with it. So, it means जेड़ी सेट ऑफ रूट्स है वो अपने कोल एक फील्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो हुन क्योंकि स्प्लिटिंग फील्ड का सब फील्ड ही होया ना, क्योंकि हले तक आपां रूट्स की कलेक्शन की है, तो रूट्स की कलेक्शन जेड़ी है वो सब फील्ड होएगी स्प्लिटिंग फील्ड की, बट जेड़ा स्प्लिटिंग फील्ड हैगा वो एदे नाल ही कोइंसाइड कर जाऊगा, क्योंकि स्प्लिटिंग फील्ड का मतलब की होंगे द स्मॉलेस्ट फील्ड विच कंटेन ऑल द रूट्स, द स्मॉलेस्ट फील्ड तो आप ही बन गया जेड़ा सारे रूट्स नू कंटेन करता है, दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट एंड देयरफॉर कोइंसाइड्स विद इट, ऐसे करके की कह रहे हैं कि जेड़े आ रूट्स दी कलेक्शन अपने कुल बनी है ये अपनी स्प्लिटिंग फील्ड नाल ही कोइंसाइड कर जू, क्योंकि ये रूट्स दी कलेक्शन आप ही एक फील्ड हैगी है, सो दैट्स व्हाई जेड़ी ये रूट्स दी कलेक्शन है इट इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द रूट्स ऑफ द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द पॉलीनोमियल। सो द नेक्स्ट थ्योरम व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शो दैट एनी फाइनाइट फील्ड हैज एन एक्सटेंशन ऑफ एनी गिवन फाइनाइट डिग्री। This is a very, very important result, which we will also use in the numerical examples also. The main thing you have also to focus on the result as well as the proof, because the steps we do in the proof, we will use those steps in the numericals also. So please concentrate upon the statement as well as the proof carefully. So this statement says, any finite field, कोई भी finite field है, और suppose ए finite field सी कि मेरे को, मैं तो अनु क्या, मैंने इस finite field की extension बना के दो, जिस दी degree 10 होगे, suppose मैं वैसे कहता तो अनु कि 10 degree दी extension मैंने दी बना के, then तो आड़ answer होएगा yes we can make extension of degree 10 over f, जे मैं तो अनु कहा नहीं मैंने 15 order दी चाहिए दी है, then again your answer is yes we can make an extension of degree 15. ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਉਰੇ ਦੇ ਦਵਾਂ ਕਿ e ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਓਵਰ f ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ e ਇਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦੇ ਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਐਨ e ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦੇ ਦਾਂ ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ e ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੂਜ਼ ਡਿਗਰੀ 3, ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਗਰੀ 4, ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਗਰੀ 5, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾਂ ਹਰੇਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ f ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। This theorem is saying the thing. This is the alternate statement.
जिस दे विच पूरा क्लैरिफाई करके लिखा हुआ है कि एक सिंगल लाइन जिहड़ी है वो की कह रही है, इफ एफ इज ए फाइनाइट फील्ड विद पी रेज टू पावर एन एलीमेंट्स, अगर एफ फील्ड दे विच पी दी पावर एन एलीमेंट्स है और एम एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, एम ओ वाला इंटीजर है जिहड़ी डिग्री दी एक्सटेंशन असीं एक्सपेक्ट करते हैं, m is a positive integer, then there exists an extension field e of f such that dimension e over f is equals to m. ta m ek positive integer hai ta ek e extension assi bana sakde ha jehdi ki m degree di hoegi ho, and all such extensions are isomorphic. aur jehdi assi e construct karange e ikko hi construct ho sakdi hai, je koi tusi second construct kar li kise hor ne koi dusri construct kar li ta o ese de isomorphic hi hoegi. So that means you can say that for a positive integer, for a given natural number m, you can make only one extension of that degree. सिर्फ एक कोई extension उस degree दी बना सकते हो, जब कोई second बनाओगे वो ऐसे दे ही isomorphic. So coming to the proof of the theorem, let f bar be the algebraic closure of f. Now consider the polynomial. Concentrate upon this. जो मैंने पॉलीनोमियल डिफाइन की है इसके ऊपर ध्यान दो किवें डिफाइन की है, क्योंकि यही फैक्ट आप न्यूमेरिकल्स दे विच यूज करया करना. जेड़ा गिवन फील्ड एफ सीगा उसदे विच किन्ने एलीमेंट सीगे, पी दी पावर एन, और जेड़ा असी एक्सटेंशन उरे कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं वो किन्ने डिग्री का होवे, एम डिग्री का. तो असी की किया जे एफ दे विच पी दी पावर एन एलीमेंट्स हैं तो यहाँ मतलब एफ केड़ी पॉलीनोमियल दा स्प्लिटिंग फील्ड होएगा, प्रीवियस थ्योरम च डिस्कस होया सी एक्स दी पावर पी एन माइनस एक्स का. हुण जे असीं एक्सटेंशन डिग्री एम दी बनानी है तुसीं जस्ट की करना है, जेड़ा इस दी पावर दे विच एन सीगा इसनूं तुसीं जेड़े डिग्री दी एक्सटेंशन बनाना चाहते हो उसे नंबर नाल मल्टीप्लाई कर दो. एन असीं एम डिग्री दी एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं तो एन नूं तुसीं एम नाल मल्टीप्लाई कर दो, एंड कंसीडर दिस पॉलीनोमियल. वाई वी आर सेइंग दिस, इसका भी रीजन हैगा क्योंकि एफ दी जेड़ी प्राइम फील्ड है एफ पी, ठीक है, एफ पी होएगी क्योंकि बेस पूरे ऑर्डर दे विच पी हैगा. तो ऑलरेडी मैं दस्या सीगा कि जेड़ा बेस हुंदा है ओही कैरेक्टरिस्टिक हुंदी है प्राइम फील्ड, तो बेस पी है तो एफ दी प्राइम फील्ड एफ पी होएगी, देन ऑब्वियसली ई दी भी प्राइम फील्ड अपने कोल एफ पी होएगी. ते जेड़ा अपने कोल ए एन हुंदा पावर दे विच ए डायमेंशन हुंदी है, एफ दी ओवर एफ पी डायमेंशन होगी एन, ते ई दे लई पॉलीनोमियल दी पावर च पी दे की हैगा एम एन, तो ई दी डायमेंशन ओवर एफ पी किन्नी होगी एम इनटू एन. तो ऑब्वियसली ए वाली एन है और ए वाली एम इनटू एन है, तो इन बिटवीन कितनी डायमेंशन बच गई साडे कोल, एम बच. सो इन दिस वे वी कैन जस्टिफाई दैट ई विल बी ए एक्सटेंशन ऑफ एफ ऑफ डिग्री एम. तो इस तरह ये प्रूफ चलेगा. नेक्स्ट स्टेप की हैगा, पॉलीनोमियल असी कंसीडर कर ली. इन द फाइनाइट फील्ड एफ विद पीएन एलीमेंट्स द नॉन जीरो एलीमेंट्स फॉर्म ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर पीएन माइनस वन. ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर दे विच भी डिस्कस होया सीगा कि जे फील्ड विच पी दी पावर एन एलीमेंट्स है तो नॉन जीरो एलीमेंट्स उपर कंसंट्रेट करना सिर्फ, क्योंकि नॉन जीरो एलीमेंट्स की कलेक्शन ही मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप बनाती है. तो वो किन्ने एलीमेंट्स होंगे नॉन जीरो एलीमेंट्स की कलेक्शन विच, जे पूरी फील्ड विच पी एन एलीमेंट्स है जीरो छड़ दिता पी एन माइनस वन. तो इट मीनस जे असी नॉन जीरो एलीमेंट लिता एफ दे विच ता एलीमेंट दी पावर जे ग्रुप दा ऑर्डर किया जाए तो आंसर आइडेंटिटी आता है यू दी पावर पी एन माइनस वन इज इक्वल टू वन. नाउ बिकॉज एन डिवाइड्स एम एन, तो जे एन एम एन डिवाइड करता है देन दिस इज ए रिजल्ट फ्रॉम द नंबर थ्योरी दैट इफ एन डिवाइड्स एम एन देन पी एन माइनस वन मस्ट डिवाइड पी एम एन माइनस वन. सो दैट मीन्स यू कैन राइट पी एम एन माइनस वन इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स पी एन माइनस वन, बिकॉज ए एन डिवाइड करता है तो ए एदा मल्टीपल हो गया, लेट अस सपोज इट इज लैम्डा टाइम्स. सो इन द प्रीवियस स्टेप वी हैव रिटन दिस स्टेटमेंट यू दी पावर पी एन माइनस वन अगर करेंगे तो वन आऊगा, टेकिंग पावर लैम्डा ऑन बोथ साइड्स, इधर वन के उपर लैम्डा जो अपलाई करोगे it will be again equals to 1. so either but ki ban gaya u the power kitni ban gayi pmn minus 1 according to this thing lambda pn minus 1 is equal to pn mn minus 1 equal to 1. so that means you have obtained that u pmn is equals to u. this shows that each element of f satisfies fx, the pmn roots of fx are distinct and form a field say. ta eda matlab ki hai ga, hun e dhyan naal observe karo कि जेडे ए पी दी पावर एम एन है, जेडे ए पी दी पावर एम एन पावर आई ए केडी पॉलीनोमियल बन गई, दैट मीन्स यू कैन से एक्स पावर पी एम एन माइनस एक्स टू असी पहला कंसीडर कीती है. ते यू किस दा एलीमेंट सीगा, यू एलीमेंट सीगा एफ दा, ठीक है, नॉन जीरो एलीमेंट सीगा यू एफ दा.
ਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਕਸ ਪੀ ਐਮ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਐਫ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਐਫ ਸੈਟੀਸਫਾਈਜ਼ ਐਫ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ p ਦੀ ਪਾਵਰ mn ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰੂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ p ਦੀ ਪਾਵਰ mn ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਥਿਊਰਮ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਉਨੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੂਟਸ ਕੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਬਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਥਿਊਰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੂਟਸ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਸੇ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਈ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਪੀ ਐਮ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਈ ਬਟ ਐਫ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਕਿਸ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਐਫ ਦਾ ਐਫ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਫ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਈ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਐਫ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਈ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਈ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਫ ਤੇ ਐਫ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪੀ ਐਨ ਤੇ ਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਪੀ ਐਮ ਐਨ ਬਟ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੀਲਡ ਹੈ ਈ ਦੇ ਲਈ ਈ ਪੀ ਹੋ ਗਈ ਐਫ ਦੇ ਲਈ ਐਫ ਪੀ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਜ਼ੈਡ ਬਾਈ ਪੀ ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਈ ਓਵਰ ਈ ਪੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਈ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਓਵਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮ ਐਨ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੀਲਡ ਤੇ ਈ ਓਵਰ ਈ ਪੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੀ ਇਹ ਈ ਪੀ ਹੈ ਐਫ ਪੀ ਔਰ ਈ ਪੀ ਦੇ ਆ ਸੇਮ ਈ ਓਵਰ ਈ ਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈ ਓਵਰ ਐਫ ਇਨਟੂ ਐਫ ਓਵਰ ਐਫ ਐਫ ਓਵਰ ਈ ਪੀ ਤੇ ਈ ਪੀ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਐਫ ਪੀ ਲਿਖੋ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਈਸੋਮਾਰਫਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫ ਓਵਰ ਐਫ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਪੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਐਨ ਇਹ ਐਫ ਦੀ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੋਏਗਾ ਓਵਰ ਐਫ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਈ ਓਵਰ ਐਫ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀਗਾ ਹੈਂਸ ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਡ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਫ ਡਿਗਰੀ ਐਮ ਓਵਰ ਐਫ